नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय ने बयान देते हुए कहा है कि मैं शिक्षक रहा हूं, चाणक्य का शिष्य हूं और नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं जनता से बताऊंगा। पारसनाथ राय ने यह भी बयान दिया कि अफजाल अंसारी से मुकाबले को लेकर किए गए मीडिया से सवाल पर भी पारस अंसारी ने जवाब दिया। बता दें कि पारसनाथ राय ने गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी से उनका मुकाबला होना है, जिस पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। एक चीज बता दूं आपको, मैं शिक्षक रहा हूं, एक कॉलेज का प्रधानाचार्य रहा और मेरे विद्यालय में 90% तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे रहे हैं। तो मैं शिक्षक हूँ और चाणक्य का प्रतिनिधि हूँ। नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं ठीक से जानता हूँ, इसमें मुझे बताना न सिखाना। उनको लग रहा है कि वाकफ़ मिल गया, ऐसे मिल रहा होगा, लेकिन मैंने कहा ना मैं चाणक्य का शिष्य हूँ, उसी परंपरा का आदमी हूँ। नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूँ। देश में 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से वादे और दावे भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ताज नगरी आगरा की बात करें तो ताज नगरी आगरा में बहुजन समाज पार्टी ने पूजा अमरोही को मैदान में उतारा है। पूजा अमरोही आज आगरा के मंटोला मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जनता के बीच जनसंपर्क करेंगे। वहीं प्राइम टीवी से खासी बातचीत में उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर नहीं बोलती है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, जनता जागरूक हो चुकी है और ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। देश में 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है और प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर वादे और दावे कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगरा लोकसभा सीट की प्रत्याशी पूजा अमरोही, जो आगरा लोकसभा सीट की प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आज जनसंपर्क कर रही हैं आप, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, क्या प्राथमिकताएं हैं? पहले तो सलाम नमस्कार, जय हिंद जय भारत। तो अभी सभी लोगों के बीच में हूँ, मैं आई हूँ आज सब लोगों से। अभी तो प्रचार के लिए बाद में आऊँगी, अभी तो मैं ईद के मिलने के लिए अपने भाई बहनों के बीच में आई हुई हूँ। वैसे अगर चुनावों की बात करें तो प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके, आगरा की लोकल समस्याएं भी बहुत सारी हैं जो आगरा के मुद्दे हम जिन पे बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी पानी की समस्या और एयरपोर्ट की, जब इन्होंने कहा था कि हम पर्यटन नगरी बनाएंगे, जो अभी तक कोई पर्यटन नगरी का नामो निशान नहीं है, हमारे पास कोई एयरपोर्ट नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की शान हमारा ताजमहल आगरा में है और तब भी वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। भाजपा के एक मजबूत प्रत्याशी हैं SP सिंह बघेल, दोबारा से पार्टी ने भरोसा जताया है। NDA से भी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से सुरेश कदम। क्या लगता है इस बार किससे फाइट रहने वाली है बहुजन समाज पार्टी की? जी वैसे जो गठबंधन